वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। हजरत ईसा अलैहि सलाम का मुबारक हुलिया। कुरान ने हजरत ईसा अलैहि सलाम के हालात को बड़ी तफसील से बयान किया है और उनकी पाक जिंदगी को तमहीद के तौर पर और उनकी मां हज़रत मरियम की ज़िंदगी के वाक़ियों को रोशन किया है, ताकि कुरान मजीद की याद दहानी का मकसद हज़रत ईसा अलैहि सलाम को कुरान शरीफ में किसी जगह मसीह और अब्दुल्ला के लकब से और किसी जगह कुन्नियत इब्ने मरियम के नाम से जाहिर करते हुए याद किया गया है। हज़रत ईसा अलैहि सलाम का मुबारक हुलिया। मेराज की हदीस बुखारी शरीफ के मुताबिक हमारे आका हुजूर पुरनूर रहमत आलमीन सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मुलाकात हज़रत ईसा से हुई तो मैंने उनके दरमियान कद वाला सुर्ख व सफ़ेद पाया, बदन ऐसा साफ व शफाफ था मालूम होता था अभी हम्मान से नहाकर आए हैं। और कुछ रिवायतों में है कि आपके बाल कंधे तक लटके हुए थे और कुछ हदीसों में है कि रंग खिलता हुआ गेहुआ था। ये था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुबारक हुलिया। आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।